नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नई कहानी आंदोलन के श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संस्मरण लेखक शैलेश मटियानी द्वारा लिखित पोस्टमैन कहानी का सार या सारांश तथा उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए, सबसे पहले मैं शैलेश मटियानी जी का संक्षिप्त परिचय दे देता हूं, फिर पोस्टमैन कहानी का सार या सारांश तथा उद्देश्य को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर शैलेश मटियानी जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत शैलेश मटियानी जी एक उच्च कोटि के गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। सच पूछा जाए तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर में उभर कर आने वाले सुप्रसिद्ध गद्यकारों में से एक थे। इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना नामक गांव में 14 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 2001 ईस्वी को हुई थी। ये हिंदी साहित्य जगत में एक उच्च कोटि के कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा एक संस्मरण लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हत्यारे, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, अर्धांगिनी, प्यास और पत्थर, कोहरा, नाच जमूरे नाच, भेड़े और गड़ेरिये, दो दुखों का एक सुख आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। बोरीवल्ली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हौलदार, बारूद और बलूची, एक मुठ सरसों, बेला हुई अबेर, कोई अजनबी नहीं, दो बूंद जल, भागे हुए लोग, पुनर्जन्म के बाद, जल तरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी, रामकली, सफगंधा, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़, प्रेत मुक्ति, चंद औरतों का शहर, सुहागन आदि आदि न जाने इनके कितने ही प्रमुख उपन्यास हैं। मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, जनता और साहित्य, यथा प्रसंग, कभी कभार, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब आदि आदि इनके प्रमुख निबंध और प्रेरणादायक संस्मरण हैं। इनकी भाषा अत्यंत ही सरल, सहज, रोचक और आंचलिकता को लिए हुए है। हिंदी की बहुमूल्य सेवा देने के कारण अब तक इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मान, लोहिया पुरस्कार, देवरिया केडिया संस्थान द्वारा शारदा सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार संस्थागत सम्मान, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार, साधना सम्मान आदि आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है।
यही नहीं 2007 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वास्तव में शैलेश मटियानी जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर में उभर कर आने वाले सुप्रसिद्ध गद्यकारों में से एक थे। आइए अब मैं शैलेश मटियानी जी का सामान्य साहित्यिक परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित पोस्टमैन कहानी का सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित पोस्टमैन कहानी का सार या सारांश। पोस्टमैन शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने कुमाऊं पर्वतीय अंचल में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दरअसल यह कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी कुमाऊं पर्वतीय अंचल में स्थित एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव के नौजवान आर्थिक विपन्नता से उबरने के लिए फौज में भर्ती हो जाते हैं ताकि उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। गांव में स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े ही शेष रह जाते हैं। ये सभी अशिक्षित हैं तथा बहुत ही भोले भाले व्यक्ति हैं। ये छल कपट से रहित व्यक्ति हैं। इनका सहारा या आसरा केवल पत्रवाहक या पोस्टमैन होता है। गांव में रहने वाले लोग चिट्ठी तक भी ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। चिट्ठी आने पर पोस्टमैन साहब को ही पढ़कर सुनाना पड़ता है। ऐसे समय में गांव का पोस्टमैन जब कोई भी पत्र या तार या मनी ऑर्डर लेकर आता है तो गांव में उसका बड़ा ही स्वागत होता है। एक दिन एक तार आता है। युद्ध के दिनों में तार आने की वजह से पोस्टमैन घबरा जाता है। वह किसी अनहोनी घटना की कल्पना कर लेता है और भयग्रस्त हो जाता है, पर तार में शुभ समाचार होने के कारण उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। इस कहानी में इस घटना का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। दयाराम नामक एक व्यक्ति पोस्टमैन है। वह बनीनाग नामक स्थान में पोस्टमैन का काम करता है। उसे यह नौकरी बड़ी ही मुश्किल से मिली है। वह एक बहुत ही भोला भाला तथा सीधा साधा व्यक्ति है। वह पहाड़ के कई गांवों में विशेषकर कमसियारी और उसके निकटवर्ती गांवों में पत्र या तार या मनी ऑर्डर लेकर जाता है। गांव में उसका बहुत ही मान और प्रतिष्ठा है। वह गांव में रहने वाले लोगों को पत्र पढ़कर भी सुनाता है। वह जब भी कोई शुभ समाचार या मनी ऑर्डर लेकर गांव में जाता है तो गांव वाले उसका देवताओं जैसा स्वागत करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश यदि किसी दिन कोई अशुभ समाचार का पत्र या तार लेकर किसी के घर पहुंचता है तो वे लोग उस दिन उसके साथ बहुत ही रुष्ट व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि मारने के लिए भी दौड़ते हैं, गालियां भी देते हैं, यही नहीं उसका अपमान भी करते हैं। शैलेश मटियानी जी ने प्रस्तुत कहानी में दो घटनाओं का उल्लेख बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। ये दो घटनाएं क्रमशः इस प्रकार है। पहली घटना, एक बार वह
एक दिन एक पत्र को लेकर कमसियारी गांव में रहने वाले प्रधान जसैत सिंह नेगी के घर पहुंचता है, जिसे उनके बेटे रतन सिंह नेगी ने भेजा था। पत्र पर लिखा हुआ पता बड़ा ही विस्तृत था और लिखने का ढंग कुछ ऐसा था कि टिकट को छोड़कर सारा स्थान पते से ही भरा हुआ था। रतन सिंह नेगी ने बड़ी कठिनाई से प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा पास की थी, इसीलिए पत्र की भाषा भी कुछ ऐसी वैसी थी कि पढ़ने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। परंतु सार रूप में यह लिखा हुआ था कि वह घर में रहने वाले सभी बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार देता है, वह अन्य लोगों को भी नमस्कार प्रणाम आदि कहता है, वह घर परिवार तथा खेतीबाड़ी के बारे में भी जानना चाहता है, वह कहता है कि मैं राजी खुशी हूँ, कुछ भेंट गोल देवता को चढ़ा देना इत्यादि। घर में कोई पढ़ा लिखा न होने के कारण पत्र दयाराम ही पढ़कर सुनाता है। शुभ समाचार होने के कारण घर के सभी लोग उसका खूब स्वागत करते हैं। गांव के लोगों ने भी उसका बड़ा सत्कार किया। इस प्रकार शुभ समाचार होने से पोस्टमैन साहब का गांव में सब प्रकार से आदर सम्मान होता था। यही नहीं, जब भी दयाराम कोई मनी ऑर्डर लाकर गांव वालों को देता है तो उसे तिलक लगाया जाता है, इनाम दिया जाता है तथा खान पान से भी उसका सत्कार किया जाता है। लोग मंदिर में जाकर दिया जलाते हैं तथा पूजा आदि भी किया करते हैं। दयाराम जब भी गांव में पहुंचता है, लोग बेसब्री से अपने घर में कोई शुभ समाचार या मनी ऑर्डर देने की प्रतीक्षा करते हैं। सबकी जुबान पर दयाराम का ही केवल नाम रहता है। इस कहानी में दूसरा पहलू यह भी है, एक बार दयाराम मुवाणी गांव में एक तार लेकर गया था। धन सिंह विष्ट का बेटा कश्मीर की लड़ाई में मारा गया था, वह फौज में था। तार का विषय दयाराम ने ही स्वयं ही पढ़कर सुनाया था। इस समाचार को सुनते ही धन सिंह विष्ट की बहू दरांती लेकर दयाराम को मारने के लिए दौड़ पड़ी थी और बोली थी कि मर जाए पोस्टमैन तेरे पालने वाले, जिसने तुझे ऐसे कुकर्म सिखलाए हैं, तेरा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारे साथ ही ऐसी ही घटना घटे। इस प्रकार न जाने धन सिंह विष्ट की बहू ने कितने ही गालियों के फव्वारे चलाए थे कि दयाराम सुनकर हैरान हो गया था। दयाराम मन ही मन सोच रहा था कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने तो तुम्हारे स्वामी को गोली नहीं मारी है, मुझे क्यों यह सब कह रही हो। परंतु वह यह कहना चाहते हुए भी स्त्रियों के करुण क्रंदन के सामने वह कुछ बोल नहीं सकता है, वह गालियां और अपमान सुनकर भी चुपचाप रह जाता है। बहुत दिनों के बाद एक दिन एक तार का लिफाफा पोस्टमास्टर साहब पांडे जी ने दयाराम को दिया। आज कमसियारी गांव की तरफ जाने की बारी थी, परंतु उस लिफाफा को देखकर दयाराम ऐसे घबरा गया जैसे बिच्छू ने काट खाया हो। तार था जसैत सिंह नेगी कमसियारी गांव वाले का। पोस्टमास्टर साहब ख्यालीराम पांडे जी ने जब उसकी व्याकुलता देखी तो कारण पूछा तो उसने बस इतना ही कहा कि आज उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है,
उसे जुकाम हो गया है, वह आज कमसियारी गांव नहीं जा सकेगा। पोस्टमास्टर साहब ख्यालीराम पांडे जी दयाराम को अपने बेटे की तरह मानते थे। दयाराम भी उनकी बहुत इज्जत किया करता था। पोस्टमास्टर साहब की एक छोटी सी दुकान थी, उसमें ही एक छोटा सा डाक खाना था, जहां ब्रांच पोस्ट ऑफिस के सामान के साथ ही साथ दुकान में कुछ वस्तुएं भी बेची जाती थी। पोस्टमास्टर साहब दयाराम से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू आज दुकान पर रह, मेरा उसी रास्ते कुछ काम है, एक पंथ दो काज, उसी रास्ते में तुम्हारी चाची को भी लेता आऊँगा, इसीलिए मैं ही आज तेरी जगह चला जाता हूँ। टिकट लिफाफों के पैसे गले में डाल देना और सौदा बिकने पर पैसे अलग रख देना। यह कहकर पांडे जी थाला उठाए और चले गए। इस बीच दयाराम सोते सोते सपना देखने लगा कि लड़ाई में रतन सिंह नेगी मारा गया है। उसे लगा कि रतन सिंह नेगी की घरवाली दराती लेकर पांडे साहब पर टूट पड़ी है और भयंकर गालियां देकर उसका तिरस्कार किया जा रहा है। उन्हें भी उसी प्रकार की गालियां दे रही है जैसी गालियां उसने कभी सुनी थी। इन्हीं विचारों में वह खोया खोया न जाने कई भयंकर दृश्य भी देखता रहता है। दयाराम को तेज बुखार हो गया था। तभी पोस्टमास्टर साहब पांडे जी तार देकर लौट आई। लौटकर सबसे पहले उन्होंने उसकी नब्ज देखी, फिर बोले, बेटा तू तकदीर का बहुत ही कच्चा है। मैं तार लेकर जसोत सिंह नेगी के घर गया था, अल्मोड़ा में जो उनकी बेटी ब्याही है उसके लड़का हुआ है, यही तार का विषय था, जिसे सुनकर उन लोगों ने मेरी बड़ी आवभगत की, आठ आने की दक्षिणा भी दी कि ब्राह्मण आदमी हो, खुशखबरी लाए हो, और चलने लगा तो चार आने दक्षिणा और भी दिए, और देते हुए कहा कि इस खुशी में चार आने दक्षिणा छोटे पोस्टमास्टर साहब को भी दे देना। बस यह सब सुनकर दयाराम ने पांडे जी के चरण छुए। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अतः इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने कुमाऊं अंचल में रहने वाले लोगों के जीवन की विसंगतियों, विषमताओं और दुखद घटनाओं को सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। इसके साथ ही साथ संदेशवाहक के रूप में एक पोस्टमैन की मनोदशा को भी बड़े सुंदर ढंग से उभारने की चेष्टा की है। पोस्टमैन कहानी का सार या सारांश बतलाने के बाद अब मैं इस कहानी का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, उसे मैं अत्यंत ही सरल भाषा में बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पोस्टमैन कहानी का उद्देश्य या संदेश। पोस्टमैन शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने कुमाऊं पर्वतीय अंचल में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गरीबी, त्रासदी और व्यवस्थाओं को उजागर करना है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। इसी कारण वहां के अधिकांश युवा
फौज में भर्ती होकर परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं तथा हर महीने मनी ऑर्डर भेजते हैं। एकमात्र पोस्टमैन का तार या मनी ऑर्डर ही उनके जीवन जीने का सहारा होता है। अतः इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने कुमाऊं अंचल में रहने वाले लोगों के जीवन की विसंगतियों, विषमताओं और दुखद घटनाओं को सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। इसके साथ ही साथ संदेश वाहक के रूप में एक पोस्टमैन की मनोदशा को भी बड़े सुंदर ढंग से उभारने की चेष्टा की है। यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख संदेश है। आइए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है, एक एडुकेशनल चैनल है। अतएव शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप साफ सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।